बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सोल्व करें इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसका पता कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसको मैं अभी आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सा होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट राइट कर लिया है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7x। सबसे पहले हमें इसे रीअरेंज कर लेना है। पहले एक्स का स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है और फिर 2 होता है। हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको इज इक्वल टू से इधर लेके आना है, इज इक्वल टू से इधर लेके आना है। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने के बाद, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स के स्क्वायर को पहले लेके आना है। माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने साइड पे लिख लिया है और यहाँ पे इसे रीअरेंज अप कर रहे हैं। पहले एक्स का स्क्वायर और फिर माइनस 7x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस को ख़त्म करना है। जब भी पहले माइनस होता है तो आगे वाले साइन सारे चेंज हो जाते हैं और ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इस माइनस को ख़त्म कर देंगे और एक्स का स्क्वायर सिंपल रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 7x आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो पहले को हमने ए का नाम दे देना है, दूसरे को बी का नाम दे देना है और तीसरे को सी का नाम दे देना है। यहाँ पे हम कोमा डाल लेते हैं, कोमा डालना ज़रूरी है। और देखें ये एक वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट जिनसी होगी उसको ए का नाम, सेकंड को बी का और थर्ड को सी का। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 7 है, तो फिर हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। जस्ट ये नंबर लिखना है, जस्ट नंबर लिखने हैं, ये एक्स और एक्स का स्क्वायर नहीं लिखने। यहाँ पे क्या आएगा, सी की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देना है। जिसके साथ भी माइनस होता है वो हम लिखते हैं और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता इसका मतलब होता है और प्लस, और प्लस हम कहीं भी नहीं लगाते। अब यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करना है, बाई यूजिंग फार्मूला को यूज़ करना है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने ये जो है इसकी जगह माइनस बी माइनस और 7 जैसा वो बी की जगह लगा देना है, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ बी का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ बी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज़, और ए जैसा है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख देना है, और यहाँ पे सी जैसा है माइनस 2 है और यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड कर देना है, 2 एज इट इज़ रहेगा और ए की वैल्यू है हमारे पास 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जस्ट इतना सा काम हमने करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स पुट करने लगी हूँ, माइनस बी का स्क्वायर 7 प्लस माइनस, माइनस 7 ये लगा दिया, प्लस माइनस एज इट इज़ लिख दिया। बी का स्क्वायर क्या है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर ले लेना है और माइनस 4 एज इट इज़। ए हमारे पास 1 है वो लिख देना है, और सी हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देना है, और नीचे आएगा 2 एज इट इज़, और ए की जगह आएगा 1 की सतह से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे देखिए मैंने रीअरेंज करके इन सब वैल्यूज़ को लिख दिया है। इसके बाद देखें यहाँ पे 7 को बाहर माइनस है तो 7 माइनस 7 लिख देंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ लिख देंगे। 7 को अगर 7 सा होता है 49, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस लगा देना है। 4 1 4, 4 2 8, और 8 1 सा किया जाए तो 8 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 1 2। यहाँ ये किसकी वैल्यूज अभी हम लिखते जा रहे हैं, x की। यहाँ पे आपने लिख लेना है x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यूज हैं, x हम फाइंड कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमें लिखना है x इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा, और अगर इन दोनों को प्लस किया जाए आपस में तो 57 आ जाता है और 2 एज इट इज़ नीचे रह जाएगा। और सॉल्यूशन सेट में आपने लिख देना है यही वैल्यू, माइनस 7 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारे पास आंसर होगा। पार्ट बी करते हैं, 5x का स्क्वायर प्लस
ए टेक्स्ट, आप अपनी बुक्स ओपन करें और क्वेश्चन देखते जाएं कि हाँ मैंने सही लिखा है। चलें जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन में हमने लिख देना है, नेक्स्ट स्टेप में एक दफा नीचे उतार लेना है क्वेश्चन को। एग्जैक्ट 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब लिखना है यहाँ पे, देखिए ए हमारे पास, अब यहाँ पे रीअरेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स का स्क्वायर सबसे पहले होता है तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, एक्स उसके बाद होता है तो लिखा हुआ है सही, और कॉन्स्टेंट जो लास्ट में होता है तो ये भी सही है। अगर ये 1 यहाँ पे होता तो फिर हम इसे रीअरेंज करते, या फिर एक्स यहाँ पे होता तो फिर रीअरेंज करने का ऑप्शन हमारे पास होता। अब यहाँ पे हमारे पास रीअरेंज हुआ हुआ है। अब ए की वैल्यू, ए का नंबर जो है ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा फर्स्ट, और बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स को हमने ए बी और सी का नाम दे दिया। अब फार्मूला अपना लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, ये हर क्वेश्चन में आपने लगाना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब बी को भी देखें और यहाँ पे वैल्यूज सारी लिखते जाएं, माइनस 8, बी जो है वो 8 है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ले लेना है, माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा, और ए सी एक 5 है और सी हमारे पास है 1, डिवाइड कर देना है 2a, फर्स्ट पे 2 लिखना है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5। अब माइनस ए, यहाँ ये ब्रैकेट में आपने लिखना है, ये जो नंबर होता है ये आप ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। वैसे जो नंबर यहाँ पे होगा तो वही यहाँ पे होगा, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये माइनस 8 ही रह जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस, और यहाँ पे हम लगा देंगे 8, 8 का क्या होता है 64, माइनस 5 4 ज़ा होता है 20, डिवाइड कर देना है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 हो जाता है। इन दोनों को आप आपस में, ये एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस भी एज इट इज रहेगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 8 एज इट इज प्लस माइनस, और इन दोनों को आपस में माइनस करें तो आएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे आप बार बार ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने x लगाना है, क्योंकि हम x पॉइंट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, और ये भी x ही था, और फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 प्लस माइनस 44 को अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे स्क्वायर रूट लेके 44 को, तो आएगा आपके पास आंसर 2/11, इस तरीके से आएगा 2/11 आएगा, और नीचे आपने 10 एज इट इज लिख देना है। फिर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिए 2 के टेबल पे ये आते हैं, 2 कितने ज़ार 8 आता है, 2 4 ज़ार 8 आता है, और 2 1 ज़ार 2 आता है, तो 2 हम बाहर लिख देते हैं। आपको पता चल जाए ना 2 हम क्यों बाहर लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्योंकि ये 2 के टेबल पे आते हैं, 2 बाहर लिख देना है और ब्रैकेट लगा देनी है। 2 कितने ज़ार आता है, 2 4 ज़ार 8 आता है, माइनस 8 है तो माइनस 4 लिख देंगे, और प्लस माइनस एट इज प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 2 जो है वो हम वैसे ही लिख चुके हैं बाय, और 11 जो है अंदर आ जाएगा, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। अब आप एक और बात याद रखें कि 2 का टेबल 10 के साथ भी कटता है, 2 1 ज़ार 2, और 2 कितने ज़ार 10 आता है, 2 5 ज़ार 10 आता है। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 5, नीचे 5 आएगा, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 5, और यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट में आप लिखना है, और फॉर्म में लिख रही हूँ सॉल्यूशन सेट को, माइनस 4 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5, और यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं, तो थर्ड पार्ट लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे मिडिल में लाइन लगा देती हूँ ताकि दोनों तरफ कर सकूँ हाफ हाफ, और सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेना है, और इसमें सेम पहले स्टेप में आपने सेम क्वेश्चन उतार देना है नीचे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/3। इसके बाद हमने इसे रीअरेंज कर लेना है, रीअरेंज का मतलब ये है कि 4√3 को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस x और माइनस
3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई साइन ना हो तो यहाँ पे माइनस के साथ इधर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। a को हम नाम दे देते हैं, x के स्क्वायर को a का नाम दे देते हैं, अंडर रूट 3। b इज इक्वल टू 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ 1 है, और c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, और ये हमारे पास हो गया। अब दोबारा से फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो अब यहाँ पे x जरूर लगाना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए, देन x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस। आप देखते जाएं कि वैल्यूज, आप नंबर देखते जाना कि नंबर ठीक होने चाहिए। b का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4 जो से एज इट इज आ जाएगा, a का जो नंबर है, और यहाँ पे c का जो नंबर है, यहाँ पे थोड़ा रेज कर देती हूँ, c का जो नंबर है वो क्या है, माइनस 4/3, और ये डिवाइड हो जाएगा, 2 a की वैल्यू जो सी है वो है 3। इसके बाद अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस जो है वो भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे वो 1 जो है 1 1s are 1 हो जाता है, माइनस एज इट इज, और ये जो माइनस है ये अंदर भी माइनस है और यहाँ पे बाहर भी माइनस है, और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट दोनों के सेम है, और जो हमारे पास नंबर्स है बाय 4 और 4 ये भी सेम है, तो हमने क्या करना है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 4s हो जाता है 16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है, ये जो नंबर है इसे हमने फिर मल्टीप्लाई करा देना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा के 3 एक दफा लिख देना है, और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज, प्लस माइनस भी एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ। अगर देखिए आप यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 16 3 सा होता है 48, और 48 के अंदर अगर 1 प्लस कर दिया जाए तो 49 हो जाता है, डिवाइड कर देना है 2 और 3 जिनसे वो एज इट इज लिख देना है 2/3, ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को खत्म कर देना है क्योंकि ये 49 है, वो एग्जैक्ट आ जाता है, 7/49 होता है, अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, और 7/7 आर होता है 49, तो 7 लिख देना है और डिवाइड कर देना है हमने इसे, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 के साथ हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे अंडर रूट भी खत्म हो चुका है, तो इसका प्लस माइनस जो है सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करना है, दो वैल्यूज बना देनी है x की, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइड बाय, और यहाँ पे एक और x की वैल्यू बना देनी है, x इज इक्वल टू माइनस 1, अब यहाँ प्लस के साथ था तो यहाँ माइनस के साथ हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2/3, ये हो जाएगा, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, और यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2/3, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस जो है बड़े किस्त लगा हुआ है, इसलिए माइनस जो है बड़ा 7 है, और 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, और 7 और 1 को प्लस कर दिया जाए तो आ जाता है 8, और डिवाइड कर देना है 2/3 के साथ। अब यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेनी है, कटिंग कैसे करनी है, आपने ये 2 कितने ज़ार 6 होता है, 2 1 ज़ार 2, और 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, ऊपर पे 3 आ जाएगा और नीचे भी, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और अंडर रूट 3 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू x की होगी 2 कितने ज़ार 8 होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, माइनस 4 ऊपर लिखा रहेगा और नीचे जो सा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 दिया है। यहाँ पे आप देखिए हमने अंडर रूट 3 और इस 3 के साथ अंडर रूट लगाना है ताकि इसका अंडर रूट खत्म हो सके, तो x इज इक्वल टू इसके साथ अंडर रूट लगा देते हैं, और यहाँ पे एक और 3 के साथ अंडर रूट लगा देते हैं और डिवाइड कर देना है 3 के अंडर रूट के साथ, ये आपने जरूर करना है, और ये अंडर रूट जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक अंडर रूट रह जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 रह जाएगा, और यहाँ पे
एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री था। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आएगा एक एक्स की वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट थ्री और एक की वैल्यू होगी माइनस फोर डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट फोर करते हैं, पार्ट फोर जो है उसका जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं। फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू थ्री एक्स, इधर भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में अब आपने क्या करना है, इसे आप रीअरेंज कर लें, फोर एक्स का स्क्वायर और माइनस इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा और यहाँ पे माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो एज इट इज आ जाएगा। और ए हमारे पास है फोर, बी हमारे पास है माइनस थ्री और सी जो से वो है हमारे पास माइनस फोर्टीन। अब एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है वो माइनस थ्री तो वो अंदर माइनस थ्री लिख देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस थ्री है माइनस थ्री होल का स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज आ जाएगा, ए फोर है और सी जो है वो माइनस फोर्टीन है, डिवाइड कर देना है इसको टू ए क्या था फोर, फोर लिख देना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो थ्री एज इट इज आ जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता और प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट थ्री थ्री हो जाता है नाइन, और अगर स्क्वायर बाहर हो तो अंदर का जो माइनस है वो खत्म हो जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, यहाँ पे फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर जा टू ट्वेंटी फोर हो जाता है, तो टू ट्वेंटी फोर यहाँ पे लिख देना है और डिवाइड कर देना है इसे हमने, फोर 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 वन जा फोर फोर टू जा एट, एट इस तरीके से। इसके बाद आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट नाइन के साथ अगर प्लस कर दिया जाए टू ट्वेंटी फोर तो आ जाता है टू थर्टी थ्री, टू थर्टी थ्री आ जाता है और डिवाइड कर देना है इसको एट के साथ। सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा थ्री प्लस माइनस टू थर्टी थ्री, यही हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और सॉल्यूशन सेट ही हमारे पास आंसर होता है। पार्ट फाइव में क्या है हमारे पास, सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले लिख लेना है सॉल्यूशन, देन इसे अब एज इट इज एक दफा क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं, माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सिक्स एक्स का स्क्वायर है और एक्स की जो वैल्यू है उसको हमने इधर ले आना है और कॉन्स्टेंट को लास्ट में लेके चले जाना है, सिक्स एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए हमारे पास है सिक्स, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी इज इक्वल टू माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट हमेशा जो है वो सी होता है। और अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी जो है माइनस माइनस सेवन प्लस माइनस बी का स्क्वायर, अब हमारे पास है बी का स्क्वायर ले लेना है और माइनस सेवन से वो बी है इसका स्क्वायर ले लेना है माइनस फोर, ए हमारे पास है सिक्स सिक्स और यहाँ पे और सी जो है वो है माइनस थ्री, इसके ऊपर पूरे अंडर रूट जो है वो पूरे के ऊपर आने चाहिए डिवाइडेड बाय टू ए टू टू और सिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ए जो है वो सिक्स है हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है सेवन, तो प्लस सेवन प्लस लिखा नहीं जाता, सेवन प्लस माइनस सेवन सेवन से किया जाता तो फोर्टी नाइन आ जाता और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस कर देना है, फोर सिक्स हो जाता है ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर थ्री हो जाता है सेवेंटी टू, सेवेंटी टू डिवाइड कर देना है टू सिक्स आर ट्वेल्व। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो अंडर रूट इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो आ जाता है वन ट्वेंटी वन डिवाइड बाई ट्वेल्व, वन ट्वेंटी वन को अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इलेवन इसका आंसर आएगा। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस माइनस अलेवन, अलेवन अब क्यों आया, अगर आप वन ट्वेंटी वन का अंडर रूट लेंगे तो इलेवन आ जाएगा और ट्वेल्व एज इट इज अंडर रूट जो है वो खत्म हो चुका है। जब अंडर रूट खत्म हो जाए तो आप क्या करते हैं इसको दोनों एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, सेवन
प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 और एक दफा x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12. x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 हो जाता है 18. 18 डिवाइडेड बाय 12 और x इज इक्वल टू 11 में से अगर 7 माइनस किया जाए तो बड़ी रकम से माइनस है, तो इसलिए माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा. अब इसकी कटिंग होती है 2 के टेबल के साथ, तो x इज इक्वल टू 26 सर होता है 12 और 29 सर होता है 18 और 6 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में. 3 2 सर 6 होता है और 3 3 सर 9 होता है. 3 और 2 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा इसका आंसर. और इधर यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 सर 4 आता है और 4 4 3 सर 12 आता है और माइनस 3 जो है वो माइनस 1 ऊपर रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 नीचे रह जाएगा. और ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की. सोल्यूशन सेट में आपने लिख देना है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरी है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये जो सोल्यूशन सेट होता है वही हमारे पास आंसर होता है. अब मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो गई होगी क्योंकि आपको हर फॉर्मूले का पता चल गया है और हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है. तो पार्ट 6 शुरू करते हैं. 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मैं बुक से देख के क्वेश्चन लिख रही हूँ. सोल्यूशन में एक दफा एग्जैक्ट क्वेश्चन उतार देते हैं. 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और अब ये अरेंज हुआ हुआ है इसलिए a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3, b हमारे पास हो जाएगा 8 और c हो जाएगा हमारे पास 2. और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं. x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेते हैं माइनस b x इज इक्वल टू अब माइनस बी माइनस 8 आ जाएगा. b की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देना है प्लस माइनस b का स्क्वायर ले लेना है 8 का स्क्वायर माइनस 4. a हमारे पास 3 है, c हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास 3 है लिख देना है. x इज इक्वल टू यहाँ माइनस 8 है, माइनस 8 रह जाएगा प्लस माइनस 8. 8 सार क्या होता है 8 अंडर रूट लगा देना है. 8 8 सार होता है 64 माइनस 4 3 सार होता है 12 और 12 2 सार होता है 24 और डिवाइडेड बाय 3 2 सार होता है 6. x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस और अगर 64 माइनस 24 किया जाए तो वो आंसर हमारे पास आ जाता है 40. 40 डिवाइड बाय 6 और x इज इक्वल टू माइनस 8. अगर 40 को अगर आप अंडर रूट के साथ करें कैलकुलेटर में तो आएगा आंसर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10. अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा. अभी आप कैलकुलेटर पे करें डिवाइड में. मैं कैलकुलेटर बार बार इसके सामने नहीं ला रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा. और यहाँ पे 6 एज इट इज आ जाएगा. ये जो है 2 के टेबल में जा रहा है. 2 4 सा 8 होता है और 2 2 सा 4 होता है और तो ये हो रहा है. x इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे आप देखें 8 कितने सारा आता है. 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का टेबल के साथ हो रहा है और साथ यहाँ पे 2 का टेबल के साथ हो रहा है. और अब देखें यहाँ पे तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी है अंदर वाली साइड पे ताकि आंसर वाजिया हो. और इसके अंदर लिख देना है माइनस 4 क्योंकि 4 सर होता है माइनस है 7 8 के और 2 4 सर 8 होता है. माइनस 4 लिख देना है और प्लस माइनस कर देना है. 4 यहाँ पे पहले का लिखा हुआ है इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है. और साथ 10 लिख देना है अंडर रूट 10 और डिवाइड कर देना है 6 के साथ. अब यहाँ पे कटिंग हो रही है. 2 1 2 होता है और 2 3 6 होता है. कटिंग हो गई. अब यहाँ 1 लिखते नहीं है इसलिए हम x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 लिख देते हैं. अब आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया और वाजिया हो गया है. तो सोल्यूशन सेट है माइनस 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 और यही हमारे पास आंसर है. पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं. 3 डिवाइडेड बाय थोड़ा क्लियर कर रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 1. ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 की पार्ट 1 के क्वेश्चंस की तरह है. और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने YouTube पे एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 बाय स्टडी टॉपर्स लिखें और आपको वीडियो मिल जाएगी. और उस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे आपने करनी है पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 का.
और यहाँ पे भी मैं दोबारा से करवा देती हूँ, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक दफा क्वेश्चन उतार लेना है, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करवा देना है सारी साइडों को x माइनस 6 के साथ और x माइनस 5 के साथ, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 6 और x माइनस 5 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं x माइनस 6 और x माइनस 5 को इसके साथ, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 और माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ये नंबर लिखने के बाद इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं, x माइनस 6 और x माइनस 5, यहाँ पे थोड़ा तेज कर लेते हैं, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है 1 x माइनस 5। ये हो गया, अब कटिंग हो रही है, यहाँ पे x माइनस 6 से कट जाएगा, x माइनस 5 से कट जाएगा, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x माइनस 5 और 3, माइनस कर देना है 4, और यहाँ पे क्या बचा था x माइनस 6 और इज इक्वल टू 1 के साथ अगर इन्हें किया जाए तो इसको हमने ओपन कर लेना है। 1 को जो है उसका सेम आंसर आएगा, इसलिए 1 को आप छोड़ दें, आप सिर्फ इसे देखें। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। x पहले बड़ी ब्रैकेट आ जाती है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर x आ जाता है ये वाला, और छोटी ब्रैकेट के अंदर अगली वैल्यू आ जाती है फुल x माइनस 5। ये सॉल्व करने का तरीका है, आसान तरीका। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए पहले x लगाया और अब माइनस 6 इसमें से रह गया, तो माइनस 6 यहाँ लिखेंगे और दोबारा से x माइनस 5 इधर लिख देंगे, x माइनस 5 छोटी ब्रैकेट के साथ और बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 3x सर क्या होता है, 3x हो जाता है, 3 5 से होता है 15x और माइनस है अंदर, तो माइनस 15x माइनस 4 3 4x सर होता है 4x माइनस 4 6 हो जाता है 24 और माइनस अंदर बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 6 4 24 और इज इक्वल टू, अब इधर वाली नंबर को सॉल्व कर लेना है। इधर कैसे सॉल्व करना है, x x और x का स्क्वायर माइनस 5x और 5x और माइनस 6x और 6x, ये भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे 15 सिंपल था और मैंने x लगा दिया, यहाँ पे 15x नहीं है, सिंपल 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ माइनस 4x है और यहाँ पे प्लस 3x है, प्लस लिखा नहीं जाता, आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन भी प्रेस कर दें ताकि किसी तरीके से मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों को आपने आप इसमें माइनस कर देना है, बड़े रकम से माइनस है, यहाँ माइनस लिख देते हैं, 4 में से 3 निकाला जाए तो 1 रह जाता है और 1 लिखते नहीं है तो x लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 24 में से अगर 15 निकाले जाएँ तो आता है 9 और बड़ी रकम से प्लस है तो प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, बड़ी रकम से माइनस है यहाँ माइनस लगा देगा, अगर प्लस किया जाए तो 11x प्लस 30 इज, और ये इज इक्वल टू से इधर है तो इन्हें इज इक्वल टू को उधर लेके चले जाना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख देनी है, एक्स का स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30 और अब ये इधर लेके चले जाना है, माइनस में है तो प्लस x हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप देखें x का स्क्वायर सिंपल है तो x का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू से माइनस इसलिए माइनस लगा देंगे, 11x में से एक x निकाल देते तो 10x पीछे रह जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बड़े रकम से प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, इनको अगर माइनस किया जाए तो 21 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई है जो इस क्वेश्चन में दी गई है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे रेज कर लेती हूँ और ऊपर से दोबारा से सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा इधर जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर से शुरू करती हूँ। तो ये जो लास्ट पे नंबर है मैं ऊपर लिख लेती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसे रेज कर देते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू 21। अब इसको हमने कर लेना है, इसको अब x इज इक्वल टू माइनस b फॉर्मूला लिख लेना है, x इज इक्वल टू b का स्क्वायर ले लेना है माइनस
पहले का लगा हुआ है और यहाँ पे भी दोबारा से माइनस टेन लिख दे रहे हैं, और प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या है, माइनस टेन है बी, तो माइनस टेन होल का स्क्वायर माइनस फोर ए हमारे पास है वन और सी हमारे पास है 21, डिवाइड कर देना है इसको हमने टू, ए हमारे पास है वन और वन के साथ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता तो टेन सिंपल आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, तो टेन टू जर होता है हंड्रेड और माइनस ख़त्म हो जाता है, अगर टू अगर इस टू बाहर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और माइनस लिख देना है फोर वन ज़ा फोर और फोर ट्वेंटी वन ज़र होता है 84 और डिवाइड कर देना है टू वन ज़ा टू, एक्स इज इक्वल टू टेन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस हंड्रेड में से 84 निकाले जाए तो 16 आ जाता है, अंडर रूट 16 डिवाइड बाई टू, एक्स इज इक्वल टू, अब अंडर रूट हमने ख़त्म करनी है तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट अगर लिया जाए कैलकुलेटर में तो यहाँ पे आ जाता है 4 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे अब अंडर रूट ख़त्म हो चुका है, x को दो वैल्यूज प्लस और माइनस कर देना है x को, तो इधर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये भी हो गया। अब x इज इक्वल टू 10 और 4 अगर प्लस कर दिया जाए तो 14 हो जाता है, 14 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 10 में 4 माइनस कर दिया जाए 6 हो जाता है डिवाइड बाई 2, इन दोनों को अब 2 की वैल्यू कटिंग कर देता है तो 2 कटिंग कर देता है 2 वन ज़ा 2 और 2 सेवन ज़ा 14 होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 वन ज़ा 2 और 2 थ्री ज़ा होता है 6, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x का 7 आ जाएगा और एक x का आ जाएगा 3। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 7 और 3 और यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। पार्ट 8 करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर देते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है बस, ये 2 1 बाई 3 ये चेंजिंग है, और ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने एक दफ़ा उतार देना है नीचे, यहाँ पे मैं आपको साथ ही इसको रीअरेंज करवा देती हूँ, 3 1 3 3 2 यहाँ पे इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और इसके साथ ऐड करवा देना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 1 3 3 2 6 6 + 1 7 7 डिवाइडेड बाई नीचे वाला नंबर क्या होता है जो होता है उसे लिख देना है 7 डिवाइडेड बाई 3। अब मल्टीप्लाई कर देना है सारी साइडों को x माइनस 1 के साथ, 2x के साथ और 3 के साथ, यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 एक्स माइनस 1 2x वी गेट, हम क्या लेते हैं यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ 3x माइनस 1 और 2x मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाला नंबर है इसके साथ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस फिर से ये लिख देना है 3x माइनस 1 2x और मल्टीप्लाई कर देना है 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x और इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 3 को भी हमने इन तीनों के साथ करवा देना, मैं नीचे लिख देती हूँ 3 और x माइनस 1 और 2x के साथ ये तीनों नंबर लिख लेंगे। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है, x माइनस वन से कट जाएगा 3 2 और x माइनस 2 रह जाएंगे, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2x और यहाँ पे ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 यहाँ पे भी प्लस 1 कर देते हैं, x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी x प्लस 2 कर देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या कट रहा है 2x 2x के साथ कट रहा है 3x माइनस 1 और 4 माइनस x, यहाँ पे 3 जो है वो 3 से कट रहा है 7 एज इट इज रहेगा, 7 इज इक्वल टू 7 x माइनस 1 और 2x यहाँ पे रह जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये एक ही लाइन में लिखनी है, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, और 3 1 3 3 2 आ जाता है 6 और x प्लस 2 माइनस 3 इसको इसके मल्टीप्लाई करा देना 3x 3x माइनस 3 1 3
और 4 माइनस x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 7 मतलब 7 7 टू 7 14 x और ये बाहर x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6 x का स्क्वायर प्लस 6 1 6 6 2 12 12 x माइनस इनको आपस में करवा देते हैं 3 x बाहर रह जाएगा और 4 माइनस x अंदर माइनस 3 बाहर और 4 माइनस x अंदर इज इक्वल टू 14 x x आर 14 x का स्क्वायर माइनस 14 x 1 आर 14 x। अब इसको जब हमने सॉल्व करवा लेना है तो 6 x का स्क्वायर प्लस 12 x एज इट इज माइनस और 3 4 आर 12 हो जाएगा और ये ब्रैकेट लिखा देनी है 12 x माइनस 3 x आर 3 x x आर 3 x का स्क्वायर माइनस 3 4 आर 12 और बाहर माइनस है तो अंदर जाकर प्लस हो जाएगा 3 1 3 x आर x और 3 x 3 x आर 3 x और ब्रैकेट बंद हो जाएगी इज इक्वल टू 14 x का स्क्वायर माइनस 14 x। यहाँ पे अब 6 x का स्क्वायर एज इट इज आर 12 x बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बाहर माइनस लगा देना है 12 x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 12 और प्लस है यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x 6x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है तो आ जाएगा 9x का स्क्वायर और अब इन्हें छोड़ देना है। अब अगली वैल्यू जो है वो x है x का x और x और कोई x है एक और x भी यहाँ पे ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे ये 3x रह जाएगा माइनस 3x लिख देना है और ये हो चुका है और ये 12 प्लस 12 लिख देना है और अब ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है तो इन्हें इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाना है माइनस 14x का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 14x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैं ऊपर लिख लेती हूँ 9 एक्स का स्क्वायर। अब ये नीचे से हम रेज कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखें 9 एक्स का स्क्वायर है और 14 एक्स का स्क्वायर है माइनस है और यहाँ पे प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाता है 14 में से 9 निकाला जाए तो 5 एक्स का स्क्वायर रह जाएगा और माइनस 3 एक्स है और 14 एक्स है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बड़ी रकम से प्लस है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पे बड़ी रकम से माइनस था तो यहाँ माइनस 5 एक्स लग जाएगा और यहाँ बड़ी रकम से प्लस है तो यहाँ प्लस 14 में से 3 निकाला जाए तो आ जाता है 11 11 एक्स प्लस कर देना है 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस खत्म करना है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 माइनस खत्म करना है तो 5x का स्क्वायर माइनस खत्म करने के लिए अंदर दोनों साइन अंदर सारे साइन चेंज कर देते हैं माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अब ये आ चुका है और a इज इक्वल टू हमारे पास 5 है b इज इक्वल टू माइनस 11 c इज माइनस 12। अब फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a x इज इक्वल टू माइनस बी तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लेना है माइनस और माइनस बी जो है वो माइनस 11 है प्लस माइनस बी का स्क्वायर ले लेना है माइनस 11 होल का स्क्वायर माइनस 4 और a हमारे पास है 5 और c हमारे पास है माइनस 12 डिवाइड कर देना है 2a हमारे पास क्या है 5 लिख देना है x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 11 प्लस माइनस 11 11 हो जाता है 121 माइनस 4 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए आपस में इन तीनों को तो आ जाए 240 डिवाइड कर देना है 2 5 10 एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस यहाँ पे अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाए 361 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे करते हैं 365 डिवाइडेड बाय 10 और अगर इसको आप अंडर रूट ख़त्म करें तो आ जाता है x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 एक दफ़ा इसे प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइड बाई 10 और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइड बाई 10 x इज इक्वल टू माइनस प्लस किया जाए तो 30 डिवाइड बाई 10 और x इज इक्वल टू
अगर माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10, x इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाती है तो 10 वन ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x इज इक्वल टू 2 कितने ज़ार होता है, 2 फोर ज़ार 8 होता है, 2 फोर ज़ार 8 होता है और 2 फाइव ज़ार होता है 10, माइनस 4 डिवाइड बाई 5 और सोल्यूशन सेट में हमने लिखा 3 कॉमा माइनस 4 डिवाइड बाई 5 और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 9 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 9 ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 है। सॉल्यूशन मैंने लिखा, सॉल्यूशन में एग्जैक्ट एक दफ़ा आपने उतार लेना है क्वेश्चन को और फिर आपने ये दोनों नीचे, ये जो दोनों नंबर हैं नीचे वाले, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने सारे साइडों पे। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैंने इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई करवा देंगे एक दफ़ा इसके साथ यहाँ पे, फिर दोबारा से ये मल्टीप्लाई करवा दें नीचे वालों को इसके साथ एक दफ़ा, ये देखिए यहाँ पे, और फिर इज इक्वल टू 2 के साथ हमने, मैंने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी, ये जो नीचे वाले थे इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ पे ये x माइनस बी, x माइनस बी से कट गया a और x माइनस ए रह गया, प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से कट गया x माइनस बी और b रह गया और इज इक्वल टू ये एग्जैक्ट रह गई। तो ये आपको मैंने सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, x माइनस बी और x माइनस ए को कैसे सॉल्व करते हैं, x बाहर लिखना है और x माइनस बी जो सा अंदर लिख देना है और यहाँ पे माइनस बी बाहर लिखना है और x माइनस ए जो सा वो अंदर लिख देना है, फिर इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे टू बाहर रहेगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स एज आर ए एक्स आ जाएगा माइनस बी एक्स और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अब बाहर माइनस अंदर का साइन मतलब चेंज हो जाएगा तो प्लस लग जाएगा, बी ए पी रह जाएगा और अब ये एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे ये एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देनी है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे हमने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स प्लस 2 ए बी 2 ए बी। तो अब यहाँ पे हम इन्हें रीअरेंज कर लेंगे, पहले x के स्क्वायर की वैल्यू है 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देना है माइनस 2x क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे आगे माइनस में हो जाएगा और इसके बाद x की वैल्यूज लिखनी है, a का स्क्वायर तो हो गया, अब x की वैल्यूज यहाँ पे पहले ये लिखना है प्लस ए एक्स एक्स और प्लस बी एक्स और प्लस, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 2 ए एक्स और अब कॉन्स्टेंट सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी माइनस, ये देखिए 2 ए बी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रह जाएगा। इसके बाद माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स जो है वो और ये ए एक्स, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो 2 और 3 3 ए एक्स रह जाएगा प्लस, अगर बी को देखा जाए तो बी एक ये है, आई एम रियली सॉरी कि मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई, यहाँ पे 2 बी एक्स जो है वो मैं लिखना भूल गई थी और यहाँ पे 2 बी एक्स आपने लिख लेना है, इधर बी एक्स है तो प्लस कर दें यहाँ पे 2 बी एक्स और बी एक्स और 2 बी एक्स हो जाते हैं 3 बी एक्स 3 बी एक्स और माइनस कर देना है 2 ए बी और माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 एक्स का स्क्वायर माइनस ख़त्म कर देगा माइनस 3 ए एक्स, माइनस ख़त्म करने के लिए अंदर के साइन से वो चेंज कर देते हैं 3, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 बी एक्स और प्लस 2 ए बी और प्लस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 2 एक्स का स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 3, ये 3 ए है और 3 बी है, एक्स भी है और एक्स भी है, एक्स बाहर निकाल देना है 3 ए और प्लस 3 बी कर देना है और एक्स बाहर निकल जाएगा, इसी तरीके से प्लस कर देना है। देखिए अगर आप लोग इस फॉर्मूले को ओपन कर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, ये ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये तीनों नंबर्स, तो ये तीनों नंबर्स इसमें आ रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर,
तो आप इसकी जगह a प्लस बी होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो अब ये तीनों सॉल्व हो गए, इज इक्वल टू जीरो। तो a हमारे पास क्यों, a इज इक्वल टू टू है, b इज इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी, ये x वाला b है, और c हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर है। ये वाले जो नंबर है मैं तीनों ऊपर लिख लेती हूँ, माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी सी इज इक्वल। फॉर्मूला आपने हर क्वेश्चन के अंदर राइट करना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए एक्स इज इक्वल टू। अब आपको मैं बार बार इस तरीके से नहीं बता सकती, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू लिख रही हूँ, फिर b का स्क्वायर लिखूंगी, और a फिर a की वैल्यू लिखूंगी, और फिर a की वैल्यू लिखूंगी, और फिर c की वैल्यू लिखूंगी। तो आप देखते जाइए मैं सही राइट कर रही हूँ, माइनस माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी होल का स्क्वायर प्लस माइनस। दोनों में एक जैसे तो थ्री बाहर लिख देंगे, और ए प्लस बी को अंदर रहने देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस इसके साथ हमने क्या लिख देना है, इसके ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो थ्री थ्री जर होता है नाइन, नाइन बाहर लिख देंगे, और ए प्लस बी जो है वो अंदर लिख देंगे होल का स्क्वायर माइनस। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट हो जाता है एट, और ए प्लस बी होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे डिवाइड कर देना है हमने इसे, टू टू ज़ा फोर, और एक्स इज इक्वल टू थ्री, और ए प्लस बी एज इट इज, और प्लस माइनस कर देना है, नाइन में से अगर एट निकाला जाए तो वन रह जाता है, वन लिखा नहीं जाता, और ए प्लस बी और ए प्लस बी एक जैसे हैं, इसलिए हम इन्हें एक दफ़ा लिख देते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर एक ही दफ़ा लिख दिया, और ये आपको मैंने बता दिया कि कट्टा ने फोर एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और एक्स इज इक्वल टू थ्री बाहर, और ए प्लस बी यहाँ पर लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, नीचे पीछे रह जाएगा, यहाँ पे पीछे रह जाएगा ए प्लस बी और डिवाइड बाई फोर। अब एक दफ़ा ए प्लस के साथ कर लेते हैं, और एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, थ्री ए प्लस थ्री बी आर थ्री बी, और प्लस कर देना है ए प्लस बी डिवाइड बाई फोर, यहाँ पे बी, और x इज इक्वल टू यही सेम वैल्यू जो सी है यहाँ पे जो सा है माइनस आ जाएगा, थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई फोर। ये मैं ऊपर करवा देती हूँ यहाँ पे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं इधर कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें थ्री ए और थ्री ए और a इसको प्लस कर देते तो फोर ए बन जाता है, एक x इज इक्वल टू फोर ए आएगा, और ये प्लस और प्लस थ्री बी और बी प्लस किया जाए तो प्लस फोर बी हो जाता है, डिवाइड कर देना है फोर के साथ, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखा जाए तो थ्री ए में से अगर ए निकाल दिया जाए तो टू ए रह जाता है, टू ए प्लस कर देना है, यहाँ पे जो अंदर देखें यहाँ पे एक नंबर था थ्री बी और माइनस ए माइनस ए प्लस बी इस तरीके से था, तो हमने बाय माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और जब माइनस आ जाएगा तो थ्री बी में से बी माइनस करेंगे तो टू बी रह जाएगा, टू बी डिवाइड बाय फोर। यहाँ पे आप देखें एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर बाहर आ जाएगा, फोर सेम है इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया, और ए प्लस बी अंदर रह जाएगा, नीचे भी फोर रह जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखें टू सेम है, और ए प्लस बी अंदर रह जाएगा और नीचे फोर रह जाएगा,
फोर वन ज़ा फोर, फोर वन ज़ा फोर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रह जाएगा, और यहाँ पे टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू ये इसका आ जाएगा। और सॉल्यूशन सेट में हमने लिख देना है, ये रेज कर देते हैं क्योंकि इसे हमने ऊपर के लिए लिखा देते हैं, और सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट टेन करते हैं, तो यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन राइट कर चुकी हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस टू एल प्लस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, और सॉल्यूशन में आपने एक दफ़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन उतार लेना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो तक उतारना है, ये नहीं उतारना। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एक दफ़ा नीचे उतारा, और यहाँ पे पहले रीअरेंज करना है एक्स का स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, और फिर ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिख दी। अब माइनस एल एक्स का स्क्वायर है ना, तो माइनस को ख़त्म करना है, जब माइनस को ख़त्म करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस में है, मैंने माइनस में कर दिया, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, पहले आपने कॉन्स्टेंट लिखना है। ए इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू आपके पास ये, और सी एल प्लस सी जो है एल प्लस एम है, और फार्मूला यूज़ करना है, हमने फार्मूला ये लिख दिया, और माइनस बी माइनस, और बी की ये वैल्यू है माइनस टू एल प्लस एम, ये लिख दी, प्लस है प्लस माइनस, बी का स्क्वायर ले लेना है, माइनस जिनसे था वो इसके साथ लगा हुआ, तो ये वैल्यू लिख दी, और माइनस फोर एज इट इज लिख दिया, ए लिख दिया और सी लिख दिया, और डिवाइड कर दिया इसको, टू एक जो था एल था वो लिख दिया। यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस जिनसे तो प्लस हो जाते हैं, टू एल प्लस एम प्लस माइनस एज इट इज लिख दिया इसके बाद। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखें एक फार्मूला है, वो देखें टू एल प्लस एम, यहाँ मैं फार्मूला खोल लेती हूँ, ये देखें, देखें ए प्लस बी वाला फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू लास्ट का स्क्वायर, लास्ट का जैसे स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का, तो वो हम इधर अप्लाई कर लेंगे, टू एल का फोर एल का स्क्वायर, टू एल ज़ा रहता है फोर एल का स्क्वायर प्लस टू वन टू ज़ा फोर, फोर एल एम प्लस एम एम ज़ा एम का स्क्वायर, तो ये जो है ये अब हमने यहाँ राइट कर लेना है, क्योंकि ए प्लस बी का यही फार्मूला होता है, फोर एल का स्क्वायर प्लस फोर एल एम प्लस एम का स्क्वायर। और अब ये जो फार्मूला है ये मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ, ये हमने फार्मूला खोल लिया था, माइनस फोर एल ज़ा फोर एल, फोर एल ज़ा फोर एल, और एल टू ज़ा एल का स्क्वायर प्लस फोर एल एम ज़रा रहता है फोर एल एम, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइड कर देना है इसे टू एल के साथ, और एक्स इज इक्वल टू टू एल प्लस एम होल का, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे आप देखिए प्लस और माइनस, ये फोर एल का स्क्वायर फोर एल के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं, फोर एल एम फोर एल एम फोर एल एम और फोर एल एम कट जाएंगे, और एम का स्क्वायर पीछे रह जाएगा, तो यहाँ पे एम का स्क्वायर लिख लेते हैं, एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू एल रह जाएगा एज इट इज। इसे ऊपर मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे, तो इसे मैं ऊपर राइट कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू टू एल प्लस एम डिवाइडेड बाय टू एल, और यहाँ पे प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, और m रह जाएगा सिंपल, और x इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट से ब्रैकेट खत्म कर देंगे, प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ कर देंगे और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ कर देंगे, माइनस के साथ x इज इक्वल टू, इसके साथ x इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 2l प्लस m प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और यहाँ पे और x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, यहाँ पे ही देखें x इज इक्वल टू 2l प्लस 2m हो जाएगा, 2m डिवाइड बाई 2l, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2lm, और m कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के साथ हैं, और 2l डिवाइड बाई 2l रह जाएगा,
अब यहाँ पे x इज इक्वल टू टू बाहर आ जाएगा क्योंकि सेम है, दोनों से सेम है इसलिए, और l प्लस m अंदर रह जाएगा, डिवाइड कर देना है 2l के साथ, और यहाँ पे और x डिवाइडेड बाय 2, 2l है और 2l है और 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, l गैस पीछे रह जाएगा तो l लिख देंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा और l प्लस m डिवाइड बाय l रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x इज इक्वल टू l। सोल्यूशन सेट में यहाँ लिख देती हूँ, सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा एल प्लस एम डिवाइड बाय एल और दूसरा क्या हो जाएगा एल, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। हम और जिन स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।